बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं सम्राट दस्तक। हमें आपके साथ प्रेम कुशवाहा। हम हैं फूलपुर लोकसभा में, फूलपुर में तहसील में हैं हम, और कुछ अधिवक्ताओं से बात करेंगे। फूलपुर में माहौल जानेंगे कि जनता के क्या मुद्दे हैं और नेताओं के क्या मुद्दे हैं, अभी तक क्या काम हुए हैं, इस सब पे बात करेंगे। बहुत 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 स्वागत है जी। अभी तक 19 में जो जीते थे और लोकसभा के प्रत्याशी थे और सांसद थे, उनके क्या काम रहे? देखिए, मैं इनके लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो हमारे सांसद हैं आज, जो हमारे विधायक हैं, वो यहाँ पे जल्दी नहीं आते, यहाँ पे देखने भी नहीं आते। जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया है, अब वो आएंगे, विधायक भी आएंगे, सांसद भी आएंगे, चेयरमैन तो हमारे हैं ही, वो तो टहलते ही रहते हैं। एनडीए और इंडिया के मुद्दे, कौन से मुद्दे 2024 के चुनाव में भारी पड़ेंगे? देखिए, उनका मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगार के लिए ना करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा उनका बेरोजगारी। युवाओं को राहुल गांधी साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो क्या चल पा रहे हैं? वो हमें नहीं लगता वो लेकर चल पा रहे हैं। राहुल गांधी जी का एक बयान आता है कि जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है, हमारी राजनीति का, कैसे देखते हैं इसको? तो जहाँ जहाँ उनके स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पे है वो वहाँ करवा लेना, वहाँ क्यों नहीं करवाते? जब ये सत्ता में रहते तब नहीं करवाते, जब सत्ता से बाहर रहते तभी क्यों बोलते हैं कि गणना करवानी चाहिए? उससे पहले वो कहाँ रहते हैं? ये भी थे 2014 पहले, यही थे, क्यों नहीं करवाई? अब क्यों करवा रहे हैं? अब ज्यादा बेरोजगार हो गया इसलिए। केंद्र की बीजेपी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? काम उनका बहुत अच्छा है और काम वो कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। ये क्या काम हुए? कुछ काम हुए? सम्मान निधि योजना, आवास योजना, रोड आप देख ही रहे हैं, हर जगह की रोड बनी हुए। और जो सबसे ज्यादा पुराना मुद्दा 500 साल राम मंदिर, जो उन्होंने निर्माण करवा दिया। किसने करवाया निर्माण? तुमने राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, निर्माण इन्होंने करवाया। किसने? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट? सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसी के आदेश से काम वही मैं बोल रहा हूं लगा है उसका जैसे। तो ये इसमें बीजेपी का कहां लगता है? मैंने ये कहा कि वो करवा दिए, आदेश उनका था, मैंने वही कहा। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के ही आदेश से काम लगा है और श्रेय बीजेपी ने लिया है, यही बात ना? ये राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है? नहीं नहीं, राम मंदिर, भगवान राम तो सारे हिंदू के हृदय में वास करते हैं, मंदिर में वो बैठेंगे तो इतने जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे? भगवान राम तो हनुमान के सहारे चलते हैं, हनुमान जी देखिए हर गांव में मंदिर बनी हुई है, हम तो भाई हनुमान जी के पक्के भक्त हैं, हनुमान जी हमारे जिस घर से थोड़ी ही दूर पे मंदिर के रूप में है, हम वहां जाकर को खूब पूजा पाठ आधा घंटा एक घंटा करते हैं, हमारे आत्मा को बहुत शांति मिलता है। लेकिन अगर अयोध्या में इन्होंने अब बता रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, ये गलत है। राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना चला रहा है, ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में शायद इसका मुकदमा चल रहा था, इसमें दोनों समुदाय के लोग पक्ष विपक्ष के रूप में थे। तो भाई इस समय सत्ता जो है केंद्र में और प्रदेश में दोनों, जैसे कि बीजेपी का था, और इसके सहारे शायद सुप्रीम कोर्ट ने यही देखते हुए फैसला दे दिया और राम मंदिर अयोध्या में बन के तैयार हो गया, वो मंदिर सराहनीय है और मस्जिद भी बन जाए, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप हनुमान भक्त अपने आप को बता रहे हैं, ऐसी यहीं पे एक सवाल बन रहा है कि राम मंदिर बीजेपी ने अगर बनवाया है तो 3000 करोड़ की जो चंदे की जो घलमेल था, घोटाला था, वो किसने किया फिर? देखिए भाई, ये बीजेपी राम मंदिर के निर्माण के लिए जनता से 3300 करोड़ का चंदा मांगा गया था भैया। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप शंकराचार्य लगा रहे हैं। नहीं नहीं, शंकराचार्य जी जो लगा रहे हैं गलत नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के लोग बहुत ही चालबाज हैं, बहुत ही झूठे हैं, बड़े ही धोखेबाज किस्म के हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। एक छोटा सा मुद्दा है, हम गवर्नमेंट प्रेस में एम्प्लॉइज थे, हमने 2 साल नौकरी करके बाहर निकाल दिए गए, फिर हमें प्रमाण पत्र दे करके ये कहकर हटा दिया गया कि आपको कुछ दिन बाद रख लिया जाएगा।
हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया 5-6 साल बाद। जब आंदोलन शुरू कर दिया तो उस आंदोलन के दौरान हम लोगों का 135 दिन आंदोलन चला। उस आंदोलन के दौरान ठीक है आपके पास लौटते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि राम मंदिर अगर बीजेपी ने बनवाया तो 3300 करोड़ का जो चंदा इकट्ठा हुआ था जिसमें शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि 3000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये जानकारी मुझे नहीं, ये मैं नहीं सुना हूँ, मैंने पहले सुना नहीं जानकारी। ठीक है, ये आ जाते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं। जनता के मुद्दा है भैया बेरोजगारी, बेरोजगारी जो हटाएगा वही वोट पाएगा और जो गरीबी मिटाएगा वो वोट पाएगा, जो गरीबों को सही न्याय और संविधान का पालन कराएगा वो वोट हम लोगों को लेने का हकदार है। इस काम में जो है हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार जो बनती हुई दिखाई दे रही है, ये काम करने में सक्षम दिखाई दे रही है, इसलिए कि आप समाजवादी पार्टी से हैं, आप अपनी बात कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुजन ही है, समाजवादी नहीं। पर अभी जो जनता को जरूरी है कि एक भाजपा के चुने हुए सांसद हैं अरुण गोविल, वो प्रत्याशी है मेरठ से, और चुने हुए सांसद हैं हेमंत एकड़े, उनका बयान आता है कि भाई 400 पार हमें सीटें मिल जाती है तो हम संविधान बदलने में सक्षम होंगे, कैसे देखते हैं इस बयान? भैया देखिए 400 पार जनता होने नहीं देगी, उन्हें सरासर झूठ बोल रहे हैं, वो 400 तो हार करेंगे, अब की बार हार करेंगे, क्योंकि जनता सारी बदल चुकी है। हम खुद ही अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मैं भाजपा ही था लेकिन मैं ही बदल गया इनके कारनामे को देखते हुए, कि अगर नहीं बदलूंगा तो हमारे आने वाले बेचारे नौजवान युवा बेचारे बेरोजगार ऐसे रोड पे टहलेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, गोली से मारे जाएंगे, दरे दरे पर भीख मांगेंगे, हम ऐसा होते नहीं देखूंगा। मैं भी देश का नागरिक हूँ, मेरा भी कुछ अधिकार है, जहाँ गलत होता है उसका विरोध करें, इसलिए मोदी जी की सरकार गलत कर रही है, हम इनका विरोध बराबर करते रहेंगे। नई शिक्षा नीति पे जब जैसे राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना और अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय जातिगत जनगणना जरूरी है, तो क्या नई शिक्षा नीति भी एक मुद्दा है क्या? भैया जो जाति जनगणना का मुद्दा है, जाति जनगणना होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कौन कितने संख्या में है ये तो आंकड़ा लग जाए, जो कि हमारे बीच में शेरबाजी होती है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए जाति जनगणना होना चाहिए। और शिक्षा नीति में बदलाव, भैया एक शिक्षा प्रणाली करो ना, एक बता लाख धनी के लड़का बाकायदे कॉन्वेंट विद्यालय पढ़ रहा है, एक ही भोजन वाले विद्यालय पढ़ रहा है, भोजन वाला विद्यालय तो केवल ताकी बजाता रह जाएगा ना, कॉन्वेंट वाला तो टाप कर रह जाएगा, ये तो सत्य बात है। सर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो वन नेशन वन एजुकेशन नहीं हो सकता है क्या सर? बिल्कुल होना चाहिए। जी जी सर आप ही बताइए। वन एजुकेशन नहीं हो सकता क्योंकि हमारा देश विभिन्न भाषाओं का क्षेत्र है, हम अगर वन एजुकेशन कर देंगे सरकार के द्वारा, ये बात अगर आ सकती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें सफलता नहीं पाएगी, अगर वन नेशन वन कर दिया जाता है सरकार इसमें सफलता नहीं पाएगी। बस लोग फूलपुर के बारे में मतलब कुछ और आगे, फूलपुर की जनता के बुनियादी मुद्दे क्या है? बात यह है यहाँ पे अभी तो त्रिकोणी श्रृंखलाएं चल रही है, यहाँ से रामपाल जी है और अमरनाथ मौर्य जी है और प्रवीण पटेल, ये तीनों में बराबर की टक्कर है और कोई ये नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा है। फूलपुर में किनका पल्ला भारी होगा? अभी तो हमने आपसे कहा ना कि त्रिकोणी चल रही है यहाँ पे, यानी 50-50% सबका है, कौन जीत गाएगा किसरा पल्ला है ये भी तो हम नहीं बता सकते, पर यह है कि तीनों का भी उतना ही बराबर है और सपा और या भारी है भाई, सपा बसपा और भाजपा ये तीनों में भी त्रिकोणी है हमारे नजर से। हमारे साथ थे फूलपुर की पब्लिक और अधिवक्ता भी साथ में थे, उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।